हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लॉग टुगेदर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कटलेट। तो फ्रेंड्स चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्लेट ले लेंगे, उसमें दो तीन ब्रेड के स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर से पानी डालेंगे और पलट के भी उसके ऊपर से पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। सारे पानी को अच्छी तरह से हम उसे निकाल लेंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें उबले हुए आलू डालेंगे और उसमें उबले हुए चिकन डालेंगे। उसके बाद जो हमने ब्रेड भिगा के रखे थे निचोड़ के, उसे हम डाल लेंगे। उसके बाद एक चम्मच उसके ऊपर से हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज, फ्रेश कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, चिली फ्लेक्स, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च। बाद बारी आती है स्पेशल मसाले की, वो है चाट मसाला, जो कटलेट के टेस्ट को काफ़ी अच्छा बना देती है। बाइंडिंग के लिए इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे दो चम्मच और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अपने हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे और इसे हम एक कटलेट का शेप देंगे। आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं, लेकिन कटलेट का शेप इसी तरह के काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम सारी कटलेट अपने तैयार कर लेंगे। जार लेंगे, उसमें हम दो तीन ब्रेड के स्लाइस डालेंगे और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और एक बाउल में उसे हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ एक और बाउल लेंगे, जिसमें हम आधा कप मैदा डालेंगे और उसे ठंडे पानी से घोल बना लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। कटलेट को मैदे के घोल में डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भिगा लेंगे और उसे ब्रेड के क्रम्स में डालेंगे और उसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अपने सारे कटलेट को हम ब्रेड क्रम्स में कोट करके अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। कढ़ाई में हम तेल लेंगे और उसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और उसे 5 या 6 पीसेस ऐसे डाल के इसको हम तलेंगे। ध्यान रहे इसे मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे तलिएगा, ताकि काफ़ी ये कुरकुरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी आसान सी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यह आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। जाते जाते प्लीज़ लाइक करते जाओ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।